हेलो फ्रेंड्स, आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब का नोटिफिकेशन निकल गया है। 16/2/2018 को जो है एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकाला गया है और 14 फरवरी से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की है 15 मार्च और ये पोस्ट जो है कांस्टेबल ड्राइवर की है। इसकी एज लिमिट जो है वो 21 से 27 साल है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। उसके साथ आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन फिल करना है और इसका जो चार्जेस है वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको जो इनकी वेबसाइट recruitment.itbppolice.nic.in पे जाके वहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए आपका जो पे स्केल है वो 21,700 से लेके 69,100 तक है। उसके साथ आपको DA, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, ये जो भी HRA, फ्री लीव पास, बाकी सारी फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है। टोटल पोस्ट 134 है, जिसमें कि 47 जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, SC के लिए 68, ST के लिए 5 और OBC के लिए 14 है। हर कैटेगरी में जो है एक्स सर्विस मैन के लिए 10% रिजर्व होता है। ये देख सकते हैं आप, 10% ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन। एज मैंने आपको बता दिया 21 से 27 साल है, 10th आपको पास होना चाहिए और आपके पास जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपका वैलिडेट होगा जिस टाइम आपका सिलेक्शन होता है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी अपर एज लिमिट जो है 15/3/2018 तक 27 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद से जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को इसमें छूट है। एज में आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स। तो ये आप सारा का सारा जिस कैटेगरी में आता है उनके लिए जो है, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप ये पूरा चेक कर सकते हैं। अप टू 10 साल तक छूट है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें कि आपको पहले ये चेक किया जाएगा कि आपका हाइट, आपका वेट, आपकी चेस्ट, एक नॉर्मल उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे रखा है 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड चेस्ट 80 और एक्सपेंडेड 85। उसके अलावा कुछ डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के इसमें छूट है, उसमें भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि एक बार फिजिकल के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा और उसके बाद से आपका रिटन टेस्ट भी होगा। इसमें रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल चेक करने के बाद से फिर आपकी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर रेस होती है जिसको कि आपको 7.5 मिनट में पूरा करना होता है। लॉन्ग जंप आपको जो है 11 फीट करना होता है, 3 चांस मिलते हैं, अगर एक में नहीं कर पाए फिर दोबारा तीसरा। हाई जंप आपको जो है 3.5 फीट का होता है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्लियर करना होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होता। उसके बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में देखिए आपका 100 मार्क्स का होता है, मेन आपका जो है ट्रेड से रिलेटेड होता है, 60 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होता है। इसमें आपको जो है मिनिमम 35% मार्क्स, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर चाहिए, SC ST के लिए 33% चाहिए। फिर आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, क्योंकि ड्राइवर से रिलेटेड है तो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट भी पास करना पड़ता है, वो भी आपका जो 50 मार्क्स का होता है और ये आपको ड्राइविंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको जो है 35 नंबर चाहिए, 50 का 35% चाहिए आपको और SC ST के लिए 33%। एक बार आप ये सारे क्लियर कर जाते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग होती है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।